नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं काफ़ी अच्छा है। देखिए, इस वक्त की बात है कि क्या आप यूट्यूब में अच्छा कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए यूट्यूब में जब भी आप अच्छा कोई वीडियो बनाते हैं उसमें क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि क्या वैल्यू है, कैसे हम उसको स्टार्ट करें। और मैं आपको ये कहूँगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि मैं नहीं कर सकता। अगर कई लोग ऐसे बातें करते हैं कि यूट्यूब सबके लिए नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। यूट्यूब सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, और हमारे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब में अपना प्रेजेंस बनाना चाहते हैं। यूट्यूब सबके लिए, तो एक्चुअली मैं आपको यूट्यूब में काम कैसे करूँ, इसके दो तरीके। एक तो आप एक ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे आपको काफ़ी आसानी से आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा तरीका ये है कि आप इनिशियली कंटेंट बनाना शुरू करें जो आपको पसंद हो। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें कई चीज़ पसंद होती है और लोगों को अट्रैक्ट करने में समय लगता है, लेकिन आप चीज़ों को समझें कि किसी भी कोई गारंटी नहीं है। जो लोगों को पसंद आ वो वीडियो आपने बनाया और वो पब्लिश हो गया लोगों के सामने, कहने का मतलब यूट्यूब ने आपका वो वीडियो प्रमोट कर दिया। तो ऐसा बहुत कम होता है जब ये नए चैनल स्टार्ट करता है। तो ऐसे केसेस में आपको इनिशियली क्वान्टिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा। इनिशियली आपको ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप ज़्यादा वीडियो प्रोड्यूस करेंगे रिकरिंग बेसिस पे, यूट्यूब को ऐसा लगेगा कि आप जो वीडियो बना रहे हैं यू आर सीरियस विद योर वर्क, एंड स्लोली ग्रेजुअली यूट्यूब आपके वीडियो को धीरे धीरे करके प्रमोट करने लगेगा। जो भी टॉपिक आप बना रहे हैं रिलेटेड लोग जो भी टॉपिक उसको सर्च कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब चाहते हैं ऐसा नहीं कि जो पुराने कंटेंट हैं उन्हीं को प्रमोट कर, यूट्यूब नए को भी प्रमोट करना चाहते हैं। क्योंकि सोचिए कि कई जगह ऐसा भी होता है इंसान पुरानी चीज़ों को देखकर उठ जाता है और उसे नए वीडियोज़ की भी ज़रूरत होती है। और एक ही टॉपिक पे अगर आप लगभग साल में एक दफ़ा वीडियो बनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके नए वीडियो में भी उतने ही व्यूज़ आ रहे हैं जितना आपने पुराना बनाया था, अगर उस टॉपिक की डिमांड आज भी है तो। और समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं, समय के साथ साथ रिक्वायरमेंट डिमांड एवरीथिंग चेंजेस। तो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पहली बात, आप ये डिसाइड करें कि आप किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ये डिसाइड करिए, ये मत सोचिए दिमाग में लाइए कि आपके पास एक बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, आपके पास एक अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है जो चीज़ आप बताना चाह रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, आप जो चीज़ों को बताना चाह रहे हो उस पर थोड़ा आपको यूज़र्स को रोकना, अट्रैक्ट करना ज़रूरी है। अगर आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो वहाँ पे यूज़र्स ज़्यादा देर के लिए आपके चैनल पर नहीं टिकेंगे, और जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो शायद उसको सुन भी ना। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कुछ ऐसा बनाएं जिससे लोगों को आप आसानी से बता पाएँ, लोगों को आसानी से समझा पाएँ कि भाई कैसे इस पर हम आगे बढ़ें और कैसे बढ़िया से यूट्यूब पर काम कर सकें। चलिए, इस पर हम आगे बढ़ते हैं। अब बाइक ने भी स्पीड पकड़ ली है, तो इस पर मैं अब डिटेल में आपको कुछ और टिप्स बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करना ये ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि आपको हमेशा ये प्रश्न में रखना है कि कैसे आपका कंटेंट अच्छा हो। लेकिन फर्स्ट स्टेप पे आप ये दिमाग में मत रखिए कि आपका कंटेंट जो है परफेक्ट होना चाहिए। पहले दिन कोई भी यूट्यूबर, आप बड़े से बड़ा यूट्यूबर ले लें जो जिसने वीडियो बनाया है, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो पहला वीडियो एकदम परफेक्ट बना। तो आपको क्या करना है, आप वीडियो बनाते जाएँ, अल्टीमेटली स्लोली ग्रेजुअली आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, और आपको इम्प्रूवमेंट खुद भी लाना होगा। आपको अपने वीडियो को आप देखें, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी सही तरह नहीं दिखाई है या नहीं बोला है, अगली बार जब मैं बोलूँगा इस चीज़ को मैं ध्यान रखूँगा। तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि जब भी आप वीडियो बनाते हो ये भी सोचो कि आप परफेक्टली बनाना है। आप ये सोचो कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हो अगर आपके सामने वाला सुन रहा है तो क्यों सुन रहा है उसको। और जनरली हम जब भी कुछ सर्च करते हुए आते हैं हमारा पॉइंट क्या होता है, हम जो ढूंढ रहे हैं उसका आंसर मिल जाए। तो इसका मतलब जब भी कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले आप ये चीज़ दिमाग में रखो कि दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि आप हेल्प करना चाहते हो, और दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए, सोचो कि आप अगर वो चीज़ ढूंढते तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा ही रहनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, आपने कंटेंट बना लिया, लेकिन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप देखो कि उस कंटेंट के रिलेटेड लोगों ने
और क्या क्या वीडियो बनाए हैं और कौन से ऐसे वीडियो हैं जो कि काफ़ी अच्छे रैंक हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ ले रहे हैं, तो उनसे आपको क्या पता चलेगा उन्होंने क्या टाइटल यूज़ किया है। क्योंकि टाइटल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि अगर आपका टाइटल सही नहीं है आपके कंटेंट के हिसाब से, तो कई बार जो है आपके सर्च क्राइटेरिया में वो नहीं आएगा। तो आप अगर सेम टॉपिक में वीडियो बना रहे हो तो ऑब्वियसली देखो आज की डेट में ऐसा बहुत कम टॉपिक बचे होंगे कि जहाँ पे आप वीडियो बना रहे हो और किसी का वीडियो नहीं, ऐसा होता नहीं। तो जनरली आप ज़रूर जो भी वीडियो आप कंटेंट शूट कर लेते हो उसके बाद आप एक बार सर्च करो, देखो किस तरह के लोगों ने टाइटल यूज़ किया हुआ है। तो जैसा टाइटल लोगों ने यूज़ किया है उसी से मिलता जुलता आप टाइटल यूज़ कर सकते हो, सेम टाइटल यूज़ कर सकते हो अगर आपका वीडियो भी सेम कंटेंट को फ्लो करता है। तो जब भी टाइटल सेम होगा तो उसमें एक पॉसिबिलिटी बन जाती है कि रिकमेंडेड वीडियो जो होता है यूट्यूब का, सोचिए कि आपका कोई एक बड़ा यूट्यूबर है वो एक वीडियो, उसके व्यूअर्स वीडियो देखते हैं, तो सेम टाइटल होने की वजह से कई बार यूट्यूब आपका वीडियो भी उनके वीडियो में सर्च कर सकता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड वे जहाँ पे आपका रिकमेंडेड वीडियो में आपका वीडियो टॉप पे आ जाता है और मे बी साइड पे आ जाता है एज ए सजेशन, और उससे भी व्यूज़ आपके बढ़ने लगते हैं। प्लस इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिस्क्रिप्शन आप डिटेल्ड वे में थोड़ा लिखें अपने वीडियो के बारे में, उस वीडियो में क्या क्या चीज़ आपने कवर करनी है उसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में लिखें। डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर कोई टेलीग्राम या कोई व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ज़रूर दें जिससे आप अपने व्यूअर्स से कनेक्ट कर पाएँ, उनको नया कंटेंट सर्च कर पाएँ। अगर कोई चीज़ आप उनको सपोर्ट करना चाहते हैं उसके केस में वो चीज़ आप उनको सपोर्ट दे पाएँ, क्योंकि आप कभी भी हो सकता है कि आप जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं ऐसे केसेस में मैं ये बताता हूँ कि कैसे आपको अपना यूट्यूब का चैनल बनाना है, कैसे आप यूट्यूब मेरी मास्टरी कोर्स को मास्टर कर सकते हैं। तो अगर आपको वो कोर्स चाहिए तो कोर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि आप कोर्स होने से पहले ये देखोगे कि क्या मेरे सिस्टम जो है काम करते नहीं करते। तो ऐसे केसेस में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ो जिसमें आप देखो कि दूसरे मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कभी भी कोई भी चीज़ आप दिमाग में रखना बिना मेहनत के नहीं रिजल्ट आता है। तो इसलिए अगर आज हम चाहते हो कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना है और अच्छा एक एस्टैब्लिशमेंट देना है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना है, तो मेहनत वाला ही ये काम है। ये बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं है जी एकदम वीडियो बनाया और डाल दिया। अब आप सोचो कभी भी आप कोई वीडियो शूट करते हो तो वहाँ पे करने के बाद उसको एडिट भी करना है, उसको अपलोड भी करना है, तो उसमें कई सारे सिस्टम हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये बिल्कुल भी दिमाग में मत लाओ कि मतलब यूट्यूब का काम जो है बहुत आसान है, एक वीडियो शूट किया और उसको डाल दिया। जब आप खुद एडिट करने बैठोगे तो आपको पता चलेगा 4 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो जब आप बना रहे हो तो उस वीडियो को बनाने में कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, तो मैं ये करूँगा आज के बाद जब भी आप किसी का वीडियो देखो तो उसमें कमेंट ज़रूर करें, अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा, उसको कोई राय देनी है जरूर, क्योंकि उसे ये पता चल रहा है कि आप उसके वीडियो को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। और राय चाहे कुछ भी हो, देखो हर इंसान की अपनी राय होती है, हो सकता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल भी बकवास लगा है ना, हो सकता है आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ पॉजिटिव गेन कर रहे हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी चीज़ आप कमेंट में शेयर करोगे तो उस यूट्यूबर को पता चलेगा कि ठीक है अगली बार जो मेरे को कुछ ये चीज़ प्रेजेंट करना है तो कैसे करना है और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जब भी आप यूट्यूब वीडियो बनाओ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बनाओ तो उसमें पहली चीज़ आपको ये ध्यान देनी है कि जब भी वीडियो बन रहा है तो ऐसे केस में सबसे पहले आप मिस रिसर्च करो, आपके टॉपिक पर वीडियो बनाओ ताकि आप बोर ना हो, क्योंकि दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म जर्नी जिसमें आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, जो भी वीडियो आप शूट कर लेते हो उसके रिलेटेड दूसरे वीडियो आप देखो जिससे आपको कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, ये सारी चीज़ों का आइडिया मिल जाएगा ताकि आप अपने वीडियोस में भी ये चीज़ें ऐड करो। और अपने वीडियोस जो हैं शुरू करो कि शेयर करो सोशल मीडिया में, लेकिन पर्सनली अपने दोस्तों को मत भेजो, उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। अपने लव्ड वंस को मत शेयर करो, वो कोई आउटपुट नहीं आएगा। अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारे नोन लोग होते हैं वो ज़रूरी नहीं है इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए, है ना, आपकी वीडियो को वही पूरा देखेगा जो इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएगा, या आप जो चीज़ कह रहे हो उसको बात समझ आ रही है। आप ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली आप वीडियो शेयर करो, लेकिन अपने नोन लोगों को कम करो। रीज़न क्या है कि जितने भी आपके नोन होंगे वो वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपको यूट्यूब की तरफ से मिलेगा, जिसमें मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि ऑडियंस रिटेंशन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ऑडियंस रिटेंशन में ऑडियंस का रुके रहना आपके वीडियो में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने सिर्फ 3 पॉइंट्स को समझा
कि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए आपको ये नहीं है कि आपको परफेक्ट वीडियो बनाना है, बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिए कि परफेक्ट 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 वीडियो होना चाहिए। यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए आप वीडियो आज से अभी से बनाना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जुड़ें। दर्शक, थैंक यू वेरी मच।